दोस्तों रोज़े चल रहे हैं, 10वां रोज़ा है आज। दुकानें सज चुकी हैं और लोग खरीदारी के लिए निकलने लगे हैं। हर तरफ रौनक ही रौनक है। कुछ खास खाने की चीज़ें जो रमज़ान में मिलती हैं और बनती हैं, आइए देखते हैं। ये मीरा रोड की जामा मस्जिद है, रौनक देखते ही बनती। इस मस्जिद की मार्केट में है मिठाई की दुकान। ये क्या है? अरे फिरनी। और वो भी? वो भी फिरनी। अच्छा, और ये? मलाई खा जाए, फूल खा जाए। खा जा और फूल खा जा, ये सब रमजान में ही बनता है ना। फूल खा जा, मलाई खा जा, उधर कंडेंस पेटी सब है, वो भी है। हाँ, वो भी डालिए उधर किनारे खाने में। हाँ, 97 से अलहमदिल्ला अपने यहाँ पे शॉप है मेरा रोड में, और अब कोई पूरा सामान रहता है 97 से। और अलहमदिल्ला अपना पे सब तरीके की मिठाई बनती है, जैसे कि मालपुआ पूरी रमजान की स्पेशल, और मलाई खाजा हो गया, रबड़ी हो गई, और अपना ये तल में फ्राई आइटम में भी सब आइटम अपना अवेलेबल रमजान में। मलाई बर्फी हो गई, अफलातून नान खटाई, सब कुछ अपने वहाँ सब। बस हमारा एक ही चीज़ है कि प्योरिटी और क्वालिटी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो सब जगह मिल जाएगी, बट जो प्योरिटी और क्वालिटी वो कहीं नहीं मिलेगा। इसी सब जहाँ पे जितने भी लोग बाहर जाते हैं, गांव जाते हैं, या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सब लोग ये अफलातून हो गया, अंजी ड्राई फ्रूट हो गया, जो लॉन्ग एग्जिस्ट करती है, मतलब लास्ट उनका ज़्यादा रेट होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते लेके जाने के लिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी कम से कम 8 से 10 दिन होता है अफलातून। और सूजी भी इतनी डिलीशियस होती है कि एक बार जो खाता है वो बार बार लेके जाता है। तो यही एक शॉप है या कहीं और भी है? यही है। कितने भाई हैं आप? तीन भाई हैं। आपका नाम क्या बताया? अरबाज। और बड़े वाले भाई साहब? साबिर भाई। आमिर भाई। ये सूत पहनी है जो सादी है, और ये भुनी हुई है सूत पहनी। ये 300 रुपये किलो है और ये 400 रुपये किलो। अफलातून है, अलग अलग क्वालिटी है और सब अलग अलग रेट का। ये 300 वाला है, ये 400 वाला है, ये 500, ये 600, ये 900, और वो लास्ट में 1200। घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का फर्क है। अच्छा, आप शॉप पे बैठते हो, कुछ कभी आपको बनाना पड़े तो बना भी लेते हो क्या? कुछ मुझे आइडिया नहीं, भाई को आइडिया है। अच्छा, मुझे इसका इतना मतलब आइडिया नहीं है, क्या क्या इंग्रीडियंट्स पड़ता है उसका आइडिया है। इसकी और अलग अलग प्राइस कटाई है, जैसे मावे की है, एक तिल नान कटाई है, एक खोपरा नान कटाई है, ये रवा और मैदा मिक्स नान कटाई है, ये रवे की नान कटाई है, ये सिर्फ मैदे की नान कटाई है, और ये नॉर्मल नान कटाई है। जैसे कोई नियाज वगैरह हो तो ये खाजा है, इसका ये समोसा, ये भी 280 केजी दोनों, ये गोल वाला खाजा, ये समोसे सेप में, इसलिए इसका मतलब खाली इसमें वजन में ये ज़्यादा आता है, ये 1 पीस कम आता है, दोनों का रेट सेम है। हमारे पास अलग अलग वैराइटीज़ के अंदर है, इसमें फ्लेवर होता है, ये अंजीर होता है, ये वाला जो है पाइनएप्पल, और ये पिस्ता, ठीक है। इस सबका रेट अलग है। ये जो है ना, ये लाइन का पूरा 480 रुपये किलो है, इसमें पूरा ऊपर ड्राई फ्रूट रहता है। हाँ, ये नीचे वाला बादामी अलग है, ये भी अंजीर है, पिस्ता है, पाइनएप्पल है, ये 400 केजी है, ये पूरा लाइन नीचे का 360 है, ये नॉर्मल वाला है, ये काजू। कितने बजे से कितने बजे तक शॉप खुली रहती है? अपनी शॉप सुबह 8 से लेकर रेगुलर डेज पे अपनी शॉप 8 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहती है, और बाकी रमज़ान में अपनी रात में 1-2 बजे तक खुली रहती है, फिर शहरी में 3 से 4 बजे तक खुल जाती है। रबड़ी कैसे आता है? फिर मालपुआ के साथ में आता है। मालपुआ के रबड़ी के साथ खाते हैं क्या? हाँ। नसीम अहमद। आप लखनऊ से हैं? जी। तो स्पेशली इसके लिए आते हैं हर बार? जी हाँ, 1 महीने के लिए, साल में एक बार। तो बताइए इसके बारे में कैसे बनता है? ये आधा घंटा पहले मटेरियल तैयार करना पड़ता है। क्या क्या रहता है इसमें? इसके अंदर चीनी रहती है, मैदा रहता है, सूजी रहती है, और दूध में पकाया जाता है, और इसके अंदर मावा पड़ता है, और ड्राई फ्रूट पड़ता है,
और ऐसे ही पलता है, पाउडर इलायची पाउडर है, जायफल है, ऐसे मतलब 6-7 किस्म की चीज़ें इसके अंदर मिक्स की जाती हैं। आप रमज़ान ख़त्म हो जाए तो वापस लखनऊ चले जाएंगे, क्या करते हैं वहाँ पर आप? वहाँ पे अपना दुकान है। किस चीज़ की? यही मिठाई की। मालपुआ कितने का है? मालपुआ 140 का, 180 का है। फर्क क्या है दोनों में? सर तो मटेरियल का फर्क है, फिर क्वांटिटी ज़्यादा आएगी उसमें माल ज़्यादा पड़ेगा, बड़े वाले में छोटे वाले कम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल भारत एक रंग अनेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।